यशोधरा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान डकैती की तलाश में बैठे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। यशोधरा पुलिस ने गुप्त जानकारी पर थाना क्षेत्र के किनखेड़े लेआउट राधे पान मंदिर रेलवे दिवाकर के पास रेड कार्रवाई करते हुए डकैती के तलाश में बैठे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एफास खान नामक आरोपी फरार हो गया है। आरोपियों का नाम सचिन उर्फ अजगर शाह शेख, सलमान शेख, नवाब साहिल शेंडे और अर्जुन मेश्राम बताया जा रहा है। पुलिस ने इस कार्रवाई में आरोपियों से एक लोखंडी सूरी, मिर्ची पाउडर, लकड़ी डंडू और चार मोबाइल जब्त किए हैं। आगे की जांच चल रही है। तारीख 25 नवंबर के रात को हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू थी पुलिस स्टेशन यशोधरा के अंतर्गत। उस समय हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ आरोपी, जो इसमें से कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, सीरियस ऑफेंडर है, ये लोग किनखेड़े लेआउट के पास में एक रेल की दीवार है उसके पास में बैठ कर ये दरोड़ा डालने की एक प्रयास कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। तो उनके पास में प्राणघातक शस्त्र भी थे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिली तो विद द हेल्प ऑफ स्टाफ हम वहाँ पे गए। प्रॉपरली हमने उसको एग्जीक्यूट किया और टोटल वहाँ पे 5 लोग थे, लेकिन एक एब्सकॉन्डेड है, फरार है। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें हमने ऑफेंस भी रजिस्टर किया है, जिसमें क्राइम नंबर 850/23, सेक्शन 399-402 IPC, रेड विथ है आर्म एक्ट का 425 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत हमने क्राइम रजिस्टर करके आरोपी को अरेस्ट किया। अभी PCR में है, PCR से भी हम पूछताछ करना जारी है हमारी। हाँ, उसमें हमने 4 लोगों को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। उसमें से सचिन अजगर अशोक कुमार शाह, जो कोलाव स्वामी नगर चंद्रशेखर प्रजापति इनके घर पे रहते हैं। दूसरा आरोपी है शेख सलमान वल शेख नवाब। तीसरा आरोपी है साहिल उमेश शिंदे। चौथा आरोपी है अर्जुन संजय मेश्राम और पांचवा जो आरोपी है एफाज खान, ये एब्सकॉन्डेड है, ये फरार है, अभी तक हम उसका सर्च कर रहे हैं उसको। इनके पास से हमने लोहे की तलवार, एक चाइनीज चाकू, डंडा, छुरी, पाउडर, दूरी, मोबाइल है 4, ऐसा हमने मुद्देमाल जब्त किया है। देखो, ये प्लानिंग कर रहे थे कि पुलिस स्टेशन के एरिया में कहीं इनको दरोड़ा डालकर कुछ बड़ा एक ऑफेंस करने वाले थे वो। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय वेदोड़कर साहब इनको इनके मार्गदर्शन के आधार पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करके उनको एट द 11th और हमने नैप किया और आगे की कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।